बिजली का भट्ठा पै गया, सरकार का भट्ठा यूं बैठा है कि लोग तो जो कह रहे कारगुजारी माड़ी है, हम कांग्रेस ही खुद गुतोगुती हुई हुए ने कि इन्नी माड़ी कारगुजारी, इनू लाओ तो इनू बिठाओ। तो बादलों के कारण जो भुगत रहा, तो फिर बादलों के समय से 24 घंटे बिजली घर 8 घंटे बिजली खेतों से बिना एक कट दे 10 साल बादल किवें देंदे रहे जे कंडे वो बीजे सी। लोगों के नाल तालमेल वधा के की मुश्किल हैगिया, किवें चल रहे ने 5 महीने च चुनाव होणगियां, ते जमीनी हकीकत की है, लोगों का की तकलीफा हैगिया, की कारगुजारी हैगी, उस करके और जिहड़ी रूटीन च जिहड़ी होंदियां ने मानसा जिले की मीटिंग सी। देखो जी, कांग्रेस की आपसी लड़ाई चल रही है, कैप्टन अमरिंदर सोनिया कोल गए आ दरबार च, की कहना चाहोगे इहदे बारे? देखो, कांग्रेस का तो आ हाल होया पाया है कि 4.5 साल इन्हों की कारगुजारी इन्नी माड़ी रही है कि सरकार का तो जिहड़ा भट्ठा, जिवें बिजली का भट्ठा बैठ गया, सरकार का भट्ठा यूं बैठे कि लोग तो जिहड़े कह रहे कारगुजारी माड़ी है, हुण कांग्रेस ही खुद गुतोगुती हुई हुए ने कि इन्नी माड़ी कारगुजारी, इनू लाओ तो इनू बिठाओ। तो कैप्टन साहब ने पंजाब नू छड़ के, लोगों नू छड़ के सारे जने दिल्ली बैठे हुए ने आपकी कुर्सी बचाने वास्ते। तो कुर्सी च बनन का एको ही कारण हैगा कि पिछले 5 महीने च जिवें 4.5 साल च लुटिया है, हुण जिथे हाथ लगता है, जो हाथ लगता है, 300-400 फुट तुसी नहरा ही तो पट दो रेता, तो ब्रिज ही उस हालत से लियाओ कि ब्रिज ही बह सकता है, तो पूरे पंजाब च पानी। तो इस हालत च इन्हां दी करप्शन का ये लैवल तक पहुँच गए ने कि बस लुटो, पैसे कमाओ। तो लोगों नू तो अपने हाल से आप देखा, भावें कोविड होए, भावें रेता होए, भावें नजायज़ शराब होए या बिजली होए, तुसी देखा है कि पंजाब का किस हाल से पंजाब चल रहा है। बीबी जी, बिजली की गल की नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट किया कि बादलों के कारण अज जो बादलों ने कंडे बीजे से पंजाब भुगत चुक रहा है उन्होंने कंडिया बिजली के कारण। तो बादलों के कारण जो भुगत रहा, तो फिर बादलों के समय से 24 घंटे बिजली घर 8 घंटे बिजली खेतों से बिना एक कट दे 10 साल बादल किवें देंदे रहे जे कंडे वो बीजे सी। जिन्हां ने बिजली वधाई आमो आम की, अज जिन्हां ने बिजली दे कट लाते अज उन्हां नू दोषी फिर है। दूजी गल, जे इल्ज़ाम जिहड़े ला रहे ने, इन्हां नू तां पावर मिनिस्ट्री कैप्टन साहब दे रहे सीगे, जे असी कुछ माड़ा कीता सी फिर आके सुधार क्यों नहीं कीता? हकीकत आ हैगी कि बादल सरकार ने जिथे 50 साल से 6000 मेगावाट बिजली की पैदावार पंजाब से सी, जेड़े अज के हालात ने इस तो वध कट 2007 से लगते सी, तो असी लोगों नू वादा किया सी कि तुसी बादल सरकार बनाओ, असी बिजली आमो आम कर दांगे। ते आनसार 2 साल मेहनत की, उस मेहनत के सदका 6000 मेगावाट वाले सूबे नू 13000 मेगावाट बिजली की पैदावार वधाई, तो लोगों के जनरेटर ते इनवर्टर सारे खत्म कर दिते, बिजली दे कट खत्म कर दिते। तो इस कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.5 साल च 1 मेगावाट ऐड की करना है, जिहड़े चलते चलाए बिजली दे थर्मल प्लांट से, भावें बठिंडे दे सीगे, भावें तलवंडी साबो दे, राजपुरे दे, सारे बंद करते। हकीकत आ है कि बिजली पैदा की करनी, बिजली पैदावार ही घटा दी, जिदे करके अज कट लग रहे हैं। तो बिजली के जिहड़े कीमत है, असी 5 रुपए देंदे सी, इन्होंने 10 रुपए ताईं पहुँचाता, नाले बिजली भी गई, नाले रेट भी वधाते, ये देन हैगी। तो हुण सियासीकरण करके लोगों का ध्यान भटकाउण वास्ते ये सारी गल्लां कीतियां जा रहीयां ने। बीबी जी, केंद्र सरकार वल्लों लगातार पेट्रोल डीजल दीआं ते रसोई गैस दीआं कीमतां दे विच वाधा कीता जा रहा है, ते लोकां ने जिहड़ा बिल्कुल सही गल है। ये भावें भाजपा की सरकार होए, भावें कांग्रेस की सरकार होए, इन्हों लोगों कोई मतलब नहीं है। ये जुमलिया की सरकार है, तो झूठी सौं की सरकार हैगी। अज जिथे केंद्र की सरकार ने 100 रुपए डीजल ताई रेट पहुँचा दिते ने, पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपए ताई पहुँचे हुए ने, इन्ने रेट कदे इतिहास च नहीं वधे। उत्थे कांग्रेस की सरकार ने जिथे एक पासे बिजली गुल करती, बंदा जनरेटर तक नहीं चला सकता क्योंकि आज पेट्रोल डीजल इन्ना महंगा है, तो सब तो वध टैक्स जे किसी सूबे विच लग रहा है पेट्रोल डीजल से, वो पंजाब सरकार लगा रही है। जे माड़ी मोटी भी शर्म दोनों सरकारां च होंदी, कैप्टन साहब कहिंदे मैं बिजली नहीं दे सक रहा, मैं 10 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत ही मैं घटा दिंदा ताकि तुसी आपका जनरेटर चला सको।
जे भाजपा सरकार से माड़ी मोटी शर्म आती तो वह भी इस जिथे हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई, खाण पीन की चीज़ा जिंद गल करो अज महंगाई आसमान छू रही है। आम गरीब बंदा अपना टाइम पास भी नहीं कर सक रहा, भुखे लोग मर रहे हैं। जे माड़ी मोटी शर्म होंगी 5-7 रुपए वह घटा देंगे, 10 रुपए कैप्टन, 20 रुपए जो घट जाती कीमत, तो अज देश के ते पंजाब के हालात बिल्कुल फर्क होंगे तो लोगों का बोझ घटिया होंगे। लेकिन ये दोनों बेशर्मा सरकार ने कल झूठ मारना है तो सत्ता में आना है तो सत्ता में आके ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ कि जे अज बादल साहब की सरकार होंगी कैप्टन की थान, तो पहली गल ये बिल आने ही नहीं सके। कैप्टन साहब उस कमेटी के मैंबर 2019 बने बैठे से जब ये बिलों की गल चर्चा चल रही थी, उन्होंने ना तो पैरवाई की, जब बिल आया तो भी पैरवाई नहीं की। इन्हों के बंदे तुम चंगी तरह जानते हो कि कांग्रेस पार्टी ने वोट, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सारे वॉकआउट कर गए से जब वोट पई से। सुखबीर जी तो मैं बैठ के इस्तीफा दे के खिलाफ वोट पा के आए थे, ना तो पैरवाई की। तो हूँ 8 महीने तो 500 किसान मर गए ने, किन्नी बारी कैप्टन साहब दिल्ली जाके इन्हां बिलों की चर्चा करके आए ने, किन्नी बारी उत्थे किसानां नूं मिल के आए ने, की किसानां दे नाल की खड़े ने। जिहड़े किसान शहीद हो गए ने उन्हां दे परिवारां नूं जिहड़ी नौकरी देने की गल, तो 10 लाख रुपया देने की गल, किन्ने परिवारां नूं मिलिया ने? ये कल्ले ड्रामे करते ने, झूठ मारते ने, गुमराह करते ने। श्रोमणी अकाली दल की जो सरकार आँदी, बादल साहब ने 6 महीने तो की 6 हफ्ते नहीं टप्पण देने से बिल, सब तो पहले आंदा ही नहीं, तो आंदा भी तो 6 दिन के अंदर इन्होंने वापस कराने से। लेकिन अफसोस कि यहोजे लोगों तो पासे किया होया है, तो जिहड़ा काम काज चल रहा थोड़े सामने है। बीबा जी की ग्रांट दी अज जिला प्रशासन की ग्रांट दी है, की कहना चाहोगे? सो इत्थे जिवें आपां देखिया कि पंजाब च जब करोना होया सब तो वध मौतां होईयां, तो इस बेशर्म सरकार ने इन्हां मौतां नूं रोकण वास्ते जिहड़ा इक्को एक तरीका कि वैक्सीन दे नाल लोकां दी जानां बच सकदियां, आपां सारिआं ने देखिया कि लोगों की वैक्सीना नू प्राइवेट हस्पतालों से बेच के पैसे बटोरन का काम मंत्री ने तो सरकार ने किया, तो कैप्टन साहब ने क्लीन चिट दे के कोई उत्थे कुछ नहीं किया, जिदे करके मैं प्रशासन नू कहा कि हुण सारे जने चर्चा तीजी वेव की कर रहे हैं कि करोना के तीजी वेव से बच्चों के उत्ते बहुत असर पेगा, तो साड़ी की तैयारी, क्योंकि इतने जच्चा बच्चा हस्पताल आप मैं बनवा के इत्थे गई सी, साड़ी सरकार ने बनाई सी ताकि जिहड़ी चीज़ की घाट कमी पूरे जिले से सी, आपां बहुत वधिया हस्पताल बनाया सी, उहनूं आपां की कुछ कर सकते हैं। सो सब तो पहले ऑक्सीजन की घाट कमी वास्ते जिहड़ी PSA प्लांट वास्ते 1.5 करोड़ रुपया दिता, वो पैसे हुण केंद्र तो आ गए ने, जिहदे करके मैं कहा कि हुण जिहड़ा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है उहदे विच बच्चों के जो उन्होंने करोना होए, क्योंकि उन्होंने मशीन अड होंदियां ने, साइज़ छोटा होंदा है, हर तरह का वेंटिलेटर भी अड होंदा है, सब कुछ अड होंदा है, उस हस्पताल नूं आपां किवें तैयार कर सकते ताकि किसी माँ का बच्चा इलाज या ऑक्सीजन या मशीन के कारण किसी बच्चे की मौत ना होए इस करोना की बीमारी। जिदे करके ADC साहब ने पूरी लिस्ट बना के लैके कि कहड़ी इक्विपमेंट की लोड़ है, वह वास्ते तकरीबन 50 लाख की ग्रांट की लोड़ है जिहड़ी मैं उन्होंने दे रही हाँ। बड़ी शर्म की गल है कि इस सरकार जिन्होंने घर घर नौकरी का वादा दिता सी, किसानां दा कर्जा माफ करन दा वादा किया सी, बेरोजगारी भत्ता देन दा वादा किया सी, अज जद पंजाब जवाब मंग रहा है, जद मुलाजम जवाब मंग रहे ने, जद बेरोजगार जवाब मंग रहे ने, तो फिर भावें टीचर होए भावें कोई होर वर्ग होए उन्होंने जवाब तो कहता, बल्कि डांगा दे नाल उन्हां दी इहो जी मारकुट की जाती है कि अपनी ETT टीचर बीबिया देख लो, उन्होंने बाल पुट के चुनिया पट के की हाल किया जाता है, तो नौकरियां आपकी कुर्सी बचाने वास्ते जिन्हां दे कोल करोड़ों के गड्डियां चलाते हैं जिन्हां दे पुत, उन्होंने नौकरियां दित्तियां जांदियां। ये सरकार की करप्शन, कांग्रेस के करप्शन एक सिक्के दे दो पहलू, तुसी पहले देखिया कि इन्होंने हिंदुस्तान की सरकार जब UPA 1 सी 1,75,000 करोड़ का घपला, तो हुण कैप्टन साहब दे भावें स्कॉलरशिप हो जाए, भावें वैक्सीन हो जाए, भावें इत्थे शराब का हो जाए, भावें सैंड का हो जाए, भावें माइनिंग का हो जाए,
हर चीज़ से तुसी देखो कोई यह जहाँ महकमा नहीं जिथे इन्हों की करप्शन नहीं है। अजय ये शुरुआत है, जब साड़ी सरकार आऊगी 100 गुना होर करप्शन सामने लैके आवेंगे। देखे एक एक अफसर एक एक मंत्री ने जो करप्शन की है वो वसूल के ब्याज समेत भावें इन्हों की नीलामी करनी पे कुड़की करनी पे करके खजाने नू भर के लोगों की सहूलत उन्होंने वापस देवे। राजा वेले मनप्रीत बादल आपस दे विच एक दूसरे ते माफिया का दोष ला रहे। हकीकत तो आई हैगी कि जिहड़ा उत्थे बठिंडा च जिथे मैं बठिंडा थर्मल जिहड़ा गुरु साहब के 500 साल च गुरु नानक साहब जी के नाँ का थर्मल ऐलान बनाया गया सीगा उहदे वास्ते 550 करोड़ रुपए नवीनीकरण वास्ते 2014 च 9 च मैं आप लैके आई सी एज मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। तो जिहड़ा वित्त मंत्री कहिंदा सीगा कि इत्थे जहाजा की फैक्टरी तो होंडा की फैक्टरी तो धुआं निकलूगा वो लाना तो किसी जमीन हड़पन वास्ते उस थर्मल नू ही बंद करता, हज़ारा नू बेरोज़गार कर दिता गया। तो जब जमीन हड़पन च असी नाकाम करता तो फिर उत्थे नजायज़ माइनिंग जिस तरह की शुरू हुई जिहड़ा साढ़े सरूप सिंगला जी ने जग जाहिर किया तो किवें JCB दे नाल उन्हां दे उत्ते जानलेवा हमला किया गया। तो कैप्टन साहब के नोटिस से जब एक गल आप लैके गए ज सारे पत्रकारा ने एक तो पत्रकारा ने जिन्हें सवाल पूछे वो उत्ते तो जिहड़े परचे किए गए हैं, लेकिन TV से जब चलिया तो एक कमेटी बिठाती जिस कमेटी ने अज ताई कुछ नहीं किया है तो क्लीन शीट का आप इंतजार करें जिदे बाद आप अगली स्टैप कदम चकांगे। सो भावें नजायज शराब जिते थानू पता है कि वित्त मंत्री ने खिलाफ जिहड़ा उस टाइम का चीफ सैकटरी सेगा जब पूछा गया कि इस तरह एक्साइज की आमदन क्यों घटी है वो कहें जब थोड़े वर्गे ही नजायज़ शराब बेची जाएंगे तो फिर खजाने विच पैसे कितों आएंगे जब मंत्री नजायज़ शराब बेच रहा है। सो ये विच कोई शक नहीं, सारा खानदान उन्हों का लग्या होया है, जीजा साला उत्थे रेड़िया तक ये वसूली करते हैं। सो भावें गुंडे नाल दे हल्के दे होन या बठिंडे हल्के दे होन या गिद्दड़वे हल्के दे होन, कांग्रेस का किहड़ा नेता है अज वो फड़ी गई है कि 700 करोड़ की हैरोइन फड़ी गई है, कांग्रेसी MLA नाल लिंकेज हैगे, कांग्रेस का वर्कर हैगा। सुखबीर जी ने नजायज़ माइनिंग ब्यास से जिथे SSB उन्होंने कांग्रेस के मंत्री का रिश्तेदार हैगा शरेआम कराया। सो एक पूरी कांग्रेस भ्रिष्टाचार से लिप्त इन्होंने लोगों के हकों को लुटिया हैगा साढ़े 4 साल तो जिदे करके पंजाब की गरीबी वधी है तो पंजाब के उत्ते लोगों का उन्हों का बोझ वध्या। 44 लाख मैडम ने अप्रूव किया है MPLAD का सिविल हॉस्पिटल का जो मेडिकल इक्विपमेंट है उन्होंने अपग्रेडेशन फॉर द थर्ड वेव कोविड के वास्ते मैम ने यही पैसे मानसा सिविल हॉस्पिटल में दिते हैं। ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ